व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. रवीश हियर. आज आपके साथ इस वीडियो में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. मैं एक्चुअली एडिट कर रहा था अपनी एक कोई और वीडियो, बट लास्ट मिनट आई डिसाइडेड टू चेंज एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग. आपको पता ही है गाइस कि इंडिया में इस टाइम कोविड की सेकेंड वेव चल रही है, और मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला. 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है इस चैनल पे, आपको ऑलरेडी पता ही है सिचुएशन. सो कल हम लोग टीवी देख रहे थे, मैं और साक्षी डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं. यू नो, वी डिसाइडेड कि हमको कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहिए किसी चैरिटीज़ को जो कि इंडिया में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं. और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, साथ में दोनों बच्चे भी बैठे हुए थे, समक्ष और चीकू भी बैठे हुए थे. एंड चीकू पूछने लगा, डैडी क्या हो रहा है ये? तो मैं उसको समझाया सारा. सो इज़ लाइक कि डैडी, कैन वी सेंड देम वाटर? मैं बोला, नहीं बेटा, उनको पानी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. एंड देन ही इज़ लाइक, ओके देन लेट्स सेंड देम ऑक्सीजन. मैंने बोला, बेटा इतना आसान नहीं है, ऑक्सीजन हम यहाँ से ऐसे नहीं भेज सकते. द बेस्ट थिंग इज़ कि हम डोनेट करें किसी ऐसी चैरिटी को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें. सो यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी. बट मैंने चीकू को बोला, मैं कहा, चीकू सी, वी हैव वन ऑप्शन. इफ़ यू वॉन्ट टू डोनेट सम मनी आउट ऑफ योर पॉकेट मनी, एक तरीके को उनको पॉकेट मनी मिलती है. तो मैंने बोला कि लेट्स डू दिस, वाई डोंट वी डोनेट हाफ ऑफ योर पॉकेट मनी. और चीकू सोच में पड़ गया. एक्चुअली चीकू और समक्ष दोनों, वी आर टीचिंग दम हाउ टू सेव मनी. दोनों अपनी पॉकेट मनी हर महीने सेव कर रहे हैं टू बाई अ निंटेंडो स्विच. और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि जब तुम्हारे हाफ हो जाएंगे निंटेंडो स्विच लेने के लिए, हाफ मैं अपनी तरफ से डालूंगा एंड देन आई विल बाय यू अ निंटेंडो स्विच. तो वो मैंने उसको बोला, मैं चीकू, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर सेविंग मनी फॉर निंटेंडो स्विच, इट्स फाइन इफ यू डोंट वांट टू डोनेट. बट वो आगे से चीकू मेरे को बोलता है, कह रहा, डैडी एक्चुअली यू नो व्हाट, कैन यू टेक द फुल पॉकेट मनी इंस्टेड ऑफ द हाफ? और साक्षी और मैं एक दूसरे को देखने लग गए. और ऊपर से समक्ष कहता, एक्चुअली यू नो व्हाट डैडी, टेक माइन माई पॉकेट मनी एज वेल फॉर दिस मंथ. सो उस टाइम साक्षी बोलती है कि आप निंटेंडो स्विच के लिए तो इनकी सेविंग को आप डबल कर रहे हो, तो इनकी डोनेशन को क्यों आप डबल नहीं करते? सो मैं बोला, दैट्स अ गुड थॉट. फिर साक्षी बोलती है कि यू नो, जो आप अमाउंट ऑलरेडी सोच रहे थे, वी शुड डबल दैट टू. और फिर समक्ष बोलता है, डैडी वाई डोंट यू टेल एवरीबडी ऑन योर चैनल टू डोनेट? एंड मुझे ये लगता है कि जो चैरिटीज़ होती है ना, जो डोनेशंस होती हैं, दिस इज़ प्राइवेट मैटर. वो उसको उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए कि कहाँ डोनेट किया, कितना डोनेट किया. ये सिर्फ आपके लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं होता. बट आई थिंक अगर आपने लाइफ में पैसा कमाया है, नॉलेज कमाई है, फेम कमाई है, वो सब बर्बाद है अगर वो किसी के काम नहीं आ सकती. एंड वी consider ourselves to be lucky. You know, पैसा देना एक अलग बात है, पैसा कोई भी दे सकता है, but we are lucky in a way कि you know, YouTube के ऊपर थोड़े बहुत लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं. अगर 72,000 subscribers में से 72 subscribers ने को भी हम inspire कर सकें, तो I think that will be a big success for this channel, and that's why I decided to post this video. You know, India में इस time दो तरह के लोग हैं, दो ग्रुप्स में बटा हुआ है इंडिया इस टाइम. ग्रुप नंबर वन ऐसा है जो सबके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करने में लगे हुए हैं. सबको पता है कि बेड्स चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो लोग उसकी कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं. दुगने तिगने 10 गुना दामों में चीज़ें बेच रहे हैं, जिससे जो लोग कोरोना जिनको हुआ है, उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान हैं इस टाइम. बट दूसरी तरफ इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा दिन रात दिन लग के ऐसे लोगों की हेल्प करने में लगे हुए हैं. उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उसमें ऐसे लोग हैं, चैरिटीज़ हैं, जो ऑक्सीजन यू नो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगे हुए. मेरी अपनी कज़न जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो किसी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक जैसे तैसे करके जो भी उसके अपने लिंक्स हैं उनको यूज़ करके लोगों के घरों में ऑक्सीजन लगाने के लिए, उनको टीके लगाने के लिए, जिनको बेड्स नहीं मिल रहे उनको स्टेरॉइड देने के लिए सुबह से शाम तक वो लगी रहती है. तो ऐसे भी लोग हैं. सो राइट नाउ आई थिंक सभी इंडियंस के लिए, चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, हाउ कैन वी बिकम
So how can we become part of the solution and donate whatever we can? वो एक डॉलर हो या एक लाख डॉलर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. सो गाइस, मैंने नीचे फंड रेजर में एक चैरिटी का लिंक किया है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आपको सिर्फ वही चैरिटी यूज़ नहीं करनी. आई थिंक इंडिया में जो पीएम केयर्स फंड है उसका भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा. अगर आप इंडिया से बाहर हो तो इंटरनेशनली भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके डायरेक्टली फंड्स भेज सकते हो पीएम केयर्स फंड में. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने नीचे एक लिंक किया है. कैनेडा की एक चैरिटी है, दे आर सेंडिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स टू इंडिया, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हो.